Good afternoon, my dear students. Am I audible and visible to you? Good afternoon, Trijit. Okay, thank you for the information, Anisha. Okay, Sneha. So, seeing you people after a very long time. सब कोई जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को सबसे पहले आपका सिलेबस, ठीक है, उसके बाद क्लास. एक मिनट देखते हैं. हाँ देखिए, ओइंद्रिला ज्वाइन की. एक मिनट देखते हैं कि स्टूडेंट्स और कोई ज्वाइन करते हैं कि नहीं. त्रिजीत, घर में कैसा लग रहा है? हॉस्टल लाइफ छोड़ के घर का लाइफ कैसा लग रहा है? विच वन वॉज बेटर? घर वाला अच्छा है कि हॉस्टल वॉज बेटर? चलिए, मुझे नहीं लगता है आप लोगों के. हाँ मैं ठीक हूँ स्नेहा बेटा, मैं ठीक हूँ. मुझे नहीं लगता है आप लोगों के और कोई फ्रेंड्स ज्वाइन करने वाले हैं. अगर करेंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे. त्रिजीत ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. त्रिजीत, दिस इज़ नॉट गुड ना. तो स्टूडेंट्स, जोक्स अपार्ट, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए. अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. त्रिजीत, हॉस्टल का स्पेलिंग भूल गए हो क्या? ये भी हो सकता है ना. अच्छा चलो, और मजाक नहीं करेंगे आप लोगों के साथ. सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस जो है इंडेक्स पर मार्क कर लीजिए. समय से सब्र का फल बुद्धिमान कौन? समय से सब्र का फल बुद्धिमान कौन? उसके बाद चांद का कुर्ता पेड़. चांद का कुर्ता पेड़, ठीक है. मूर्ख विद्वान नहीं रहेगा तो पेड़ तक ही रहेगा. टोटल 5 chapters विल बी देयर, ठीक है. नाउ इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सिलेबस और मे बी सम प्लेसेस इन द टेक्स्ट, कहीं से भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. यू कैन आस्क मी. आपको कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई डाउट है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ओके ठीक है. अच्छा ऑड्री, ठीक है ठीक है. तो इसका मतलब डाउट नहीं है. नाउ टुडे वी विल प्ले अ गेम. व्हाट काइंड ऑफ गेम? स्नेहा, कहां पर के की को और का है? अच्छा हाँ बेटा, बता देते हैं. देखो, के का प्रयोग हमेशा प्लूरल के लिए होगा. जैसे लड़के के, लड़के के में देखिए प्लूरल, ठीक है. जहां पर भी प्लूरल का प्रयोग होगा वहां पर के का प्रयोग होगा. की का प्रयोग लड़की के लिए होगा, मम्मी की, बहन की, ठीक है. तो वहां पर की का प्रयोग होगा. को तो बहुत आसान है. को का प्रयोग मुझको, तुमको, ठीक है, ऐसे जगह पर को का प्रयोग होगा. और का प्रयोग मेल जेंडर के लिए, मैस्कुलाइन जेंडर के लिए होगा. लड़के का, पिता का, ठीक है, भाई का,
यहाँ पर का प्रयोग होगा। ये बहुत आसान है, ज़रा ध्यान लगाइए फिर हो जाएगा। वैसे ही आप लोगों के ये हिंदी का लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास यानी कि लाइव क्लासेस फिर से हो सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर है आप लोगों का, क्लास 8 ही तो लास्ट है हिंदी का। तो फिर ठीक है स्नेहा बेटा, तो फिर आप लोग ज़रा ध्यान लगा के कीजिए, तो पूरी उम्र आप लोगों को ये हिंदी काम आने वाली है ना, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अलावा बाहर कहीं भी जाएंगे तो आपको प्रयोग तो हिंदी का ही करना पड़ेगा, अदर देन इंग्लिश। तो इसलिए हिंदी को अगर आपको सीखने का मौका मिला है आपके मतलब पठन पाठन के ज़रिए, तो इसको अच्छे से काम में लगाइए, है ना। सीख ही जब गए हैं तो इस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए, इसलिए अच्छे से सीख जाइए, जिससे कि 4 साल पढ़ने के बाद भी आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने 4 साल पढ़ा लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाए। अच्छा, नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ गेम वी आर गोइंग टू प्ले, वी विल प्ले अ रिविजन गेम। रूल नंबर 1 इज़ दैट यू विल नॉट एडिट योर आंसर। रूल नंबर 2, यू विल नॉट कॉपी पेस्ट द आंसर। रूल नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, यू विल नॉट ओपन द बुक। इंडेक्स देख लिया, बुक बंद कर दीजिए, बिकॉज आपको पता नहीं था मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, सो नोबडी इज़ गोइंग टू जज यू कि आपको पता है कि नहीं, बल्कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये एरिया में वीकनेस है, तो ये एरियाज मुझे अच्छे से पढ़ने होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए नो ओपनिंग ऑफ बुक, मैं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। चलिए, सारी दुनिया का चक्कर कौन लगाते हैं, पक्षी, तारे, लोग? यस इंद्रिला, आई विल मिस यू टू, योर क्लास, एवरीथिंग। ओ, घर में किसी को बोरिंग भी लगता है? मुझे तो लगा कि घर में सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, सॉरी, तारे इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, एवरीबडी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, आई विल नॉट नेम एनीबडी। ठीक है, चलिए, पेड़ किस प्रकार की कहानी है, पेड़ किस प्रकार की कहानी है? त्रिजीत, आई हैव नो आइडिया, आस्क कोरोना, when it will go then we can open the school। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप लोग देखेंगे कि ये MCQ नहीं है, फिर तो शिक्षाप्रद लिखने से गलत नहीं है, है ना। अगर MCQ नहीं है तब तो शिक्षाप्रद कहानी लिखने से गलत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये MCQ है तो यहाँ पर एक वर्ड ही हमारा आंसर है, और वहाँ पर अगर वो एक वर्ड बुक में दिया है तो यू हैव टू पिक दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, और हमारे बुक में दिया है बच्चों प्रेरक कहानी, तो इसलिए शिक्षाप्रद जवाब आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि बुक में प्रेरक दिया है और ये MCQ है और एक नंबर केवल उस शब्द के लिए ही असाइन किया हुआ है, तो शिक्षाप्रद विल बी द करेक्ट आंसर। और स्नेहा के लिए बता दूं, 4 साल हिंदी पढ़ के भी अभी भी स्नेहा बंगला ही बोल रही है, हिंदी में बंगला बोलना तो भाई स्नेहा का स्पेशल आर्ट है, ये तो उसी से मैंने सीखा है, हिंदी में बंगला, शिक्षा मूलक, रियली स्नेहा, शिक्षा मूलक या शिक्षा प्रद, शिक्षा मूलक इज अ बंगाली वर्ड, ठीक है। अच्छा चलिए, जोक्स अपार्ट आगे बढ़ते हैं, पेड़ कहानी किस नगर के ऊपर लिखा गया है, पेड़ कहानी किस नगर के ऊपर लिखा गया है?
ये वर्धमान वाला कंचन नगर वहां नहीं है, ये कंचनपुर है। ठीक है, इट्स कंचनपुर, कंचन नगर नहीं है, कंचनपुर है। लेकिन आप लोग आंसर के बहुत करीब हैं, तो वेरी गुड। नेक्स्ट, मुरझाए हुए पेड़ों को देखकर राजा को क्या हुई? मुरझाए हुए पेड़ों को देखकर राजा को क्या हुई? नहीं स्टूडेंट्स, दुख नहीं, चिंता हुई। ठीक है, मुरझाए हुए पेड़ों को देखकर राजा को चिंता हुई। हाँ, अच्छा, इस प्रकार के अगर माइन्यूट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, जो कि बुक के नहीं हैं लेकिन इनसाइड से हैं, केवल इस चैप्टर से नहीं किसी और चैप्टर से भी आप लोग कर लेंगे ना? गुड, वेरी गुड। ठीक है, मुझे यही उम्मीद थी कि आप लोग कर लेंगे। चलिए, ओक का पेड़ किस पेड़ को देखकर दुखी था? ओक का पेड़ किस पेड़ को देखकर दुखी था? उफ, इट्स सो सेटिस्फैक्टरी टू सी यू पीपल आंसर लाइक दिस। आप लोगों का लाइव क्लास भी नहीं हुआ था, ऑफलाइन क्लासेस हुए थे। आप लोग मेरे सामने आके भी क्लास नहीं किए हैं, फिर भी आप लोगों ने इतने अच्छे से चैप्टर को सुना है और घर में पढ़ा है कि आप लोग इस तरह से आंसर दे रहे हैं। सीरियसली, मेरा क्लास लेना, आप लोगों को पढ़ाना सफल हो गया है। एक टीचर का सेटिस्फैक्शन यही है कि उसके स्टूडेंट्स सब उसके पढ़ाए हुए चीज़ों को आंसर दे, तभी उसको लगता है कि हाँ मेरा काम सही हुआ है। मेरे काम का जजमेंट आपके आंसर से होता है। मैं तब समझ पाती हूँ कि मैंने करेक्टली पढ़ाया है जब आप लोग इस तरह से आंसर देते हैं। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विथ योर आंसर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर एवरीबडी, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, बहुत खुशी की बात है। चलिए, अंगूर का पेड़ कौन से पेड़ को देखकर दुखी हुआ? अंगूर का पेड़ कौन से पेड़ को देखकर दुखी हुआ? करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, अंगूर का पेड़ गुलाब के पेड़ को देखकर दुखी हुआ। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड। कौन सा पेड़ तरोताजा और खिला खिला दिख रहा था? कौन सा पेड़ तरोताजा और खिला खिला दिख रहा था? करेक्ट आंसर एवरीबडी, नीम का पेड़। अच्छा, कुछ वर्ड मीनिंग पूछूं आप लोगों से? शब्दार्थ, ठीक है। चलिए, तरोताजा का अर्थ बताइए। अरे वाह, ओइंद्रिला ने जल्दी जल्दी सब कुछ याद कर लिया लगता है। तरोताजा, हरा भरा, करेक्ट आंसर। गुण,
विशेषताएं, करेक्ट आंसर। अच्छा ये बताइए, अनाज की कमी के कारण भोजन नहीं मिलना क्या कहलाता है? अनाज की कमी के कारण भोजन नहीं मिलना क्या कहलाता है? मेरे स्टूडेंट्स बहुत बहादुर हैं, मुझे आप लोगों को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर, अकाल। अच्छा बताइए, मोस्ट वेलकम डियर। एक्चुअली आई नीड टू थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग सो वेल इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अच्छी नीयत वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अच्छी नीयत वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या प्रश्न पूछूं आप लोगों से? सारे आंसर तो आप लोगों के पास है। बिल्कुल सही जवाब है, नेक दिल, करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछती हूं, ध्यान से सुनिएगा और ये क्वेश्चन सुन के ये भी समझ जाइएगा कि इस पैटर्न में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए। इनमें से या निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता कौन सी है? समय से फिर मैं गांधी बन जाऊं, चांद का कुर्ता, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता, कुट्टी। ठीक है, समय से मैं गांधी बन जाऊं, चांद का कुर्ता और कुट्टी, इन चारों में से कौन सा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित? करेक्ट आंसर, चांद का कुर्ता, वेरी गुड। अच्छा, समय की पाबंदी हमें उन्नति की ओर ले जाती है, समय की पाबंदी हमें उन्नति की ओर ले जाती है, ये किस कविता का सीख है? करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, समय से। अच्छा ये बताइए, शेर खान रुको देखो वो लड़का आ रहा है, उससे फैसला करवाते हैं, यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर, चीकू इज द करेक्ट आंसर। ये बताइए, अब तो तुम समझ गए होंगे ना कि आदमी ही सबसे बुद्धिमान क्यों कहा जाता है, यह कथन किसका किससे है? किसका और किससे? बिल्कुल सही जवाब, भीमा का शेर खान से, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड, एवरीबडी वॉज करेक्ट विद देयर आंसर्स, वेरी गुड। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा मुझे अटेंडेंस दे दीजिए क्योंकि समय हो गया है, प्लीज गिव मी योर अटेंडेंस स्टूडेंट्स।
मैं एक बार नाम ले लेती हूँ, देखिए कोई मिस तो नहीं हुआ है। शुरोजीत दास, ओइंद्रिला, अन्नेशा, ऑद्री, स्नेहा, त्रिजीत, एनीबडी इज मिसिंग? नो आई थिंक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मन नहीं हो रहा है, लेट्स सी स्टूडेंट्स, अगर अनदर लाइव क्लास मिलता है आप लोगों का तो ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे स्टूडेंट्स। आप लोगों से मिलके बात करके बहुत अच्छा लगता है, आफ्टरऑल आप लोग मेरे क्लास के स्टूडेंट्स थे, मैं आप लोगों की क्लास टीचर थी, तो आप लोगों के साथ तो मेरा बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग था, नहीं अभी भी है और हमेशा रहेगा भी, तो इसलिए मिस तो बहुत करेंगे, लेकिन अगर चांस मिलेगा तो मैं फिर से आऊँगी आप लोगों का क्लास लेने स्टूडेंट्स। लेकिन आज समय हो गया है, 12:20 तक क्लास था, 21 हो गया है, किसी और टीचर को भी इस रूम में क्लास लेना होगा, तो मुझे भी इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी द वे यू आर डूइंग।